Hey guys, how are you all? I hope you guys all are well. I'm Assistant Professor Mona, and today I'm going to discuss the Tom Jones, written by Henry Fielding. So without wasting our time, let's start our today's lecture. But before starting my lecture, I want to tell you guys that if you are new to my channel, please do subscribe and hit the bell icon so you will get notified when the video uploaded. So चलिए हमारा lecture हम लोग start करते हैं. तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे कैरेक्टर्स हैं, टॉम है, बिलफिल है, सोफिया है, मिसेस ब्रिगेट है, मिस्टर अलवर्दी है, पैट्रिज है, जेनी जॉन्स है, मेली सैग्रम, टैगवैम, ब्लैक जॉर्ज एंड नैन्सी मिलर. ये हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं नोवेल के. एंड यहाँ पर हम लोग एक चीज और बोलेंगे, जैसे कि हम लोगों को पता है कि टॉम जॉन्स जो है हेनरी फील्डिंग ने लिखा है, एंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोवेल ये हमारा हो जाता है. एंड इसकी रिलीज के साथ ही इस नोवेल को बहुत ह्यूज सक्सेस मिली थी. एंड ह्यूज सक्सेस मिलने के साथ ही इस पर कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स भी आए थे, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर. सबसे पहले कमेंट आया था आपका सॉमरसेट मॉगहम जो है, उन्होंने अपने 1948 में एक बुक लिखी थी, ग्रेट नोवेलिस्ट एंड दियर नोवेल्स. इसमें इन्होंने इसको बेस्ट प्लॉट्स में एंड बेस्ट नॉवेल्स में कंसीडर किया हुआ था. एंड हेनरी फील्डिंग का नेक्स्ट जो कमेंट आया था हमारा इस नॉवेल पर, वो आया था एस टी कॉलरेज की तरफ से. इन्होंने थ्री मोस्ट परफेक्ट प्लॉट्स एवर प्लान में कंसीडर किया था इसको, एल्केमिस्ट के साथ में एंड ओडिपियस ट्रेनिस के साथ में. नेक्स्ट हम लोग अगर देख सकते हैं यहाँ पर गाइस, तो हेनरी फील्डिंग जो हमारा नोवेल है, एक तरीके से बिल्डिंग स्लोगन नोवेल है एंड पिक्रेस्क नोवेल है. तो बिल्डिंग स्लोगन नोवेल क्या होते हैं, पिक्रेस्क नोवेल क्या होते हैं, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, बिकॉज क्वेश्चन आस्क होते हैं इस टाइप के, बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आस्क होते हैं. एंड यहाँ पर इसका जो अगर हम सब टाइटल की बात करेंगे, इसका फुल टाइटल की अगर हम बात करें, तो टॉम जॉन्स द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन्स अ फाउंडिंग इसका पूरा नाम है. एंड इसके लीड कैरेक्टर्स के नाम जरूर हम याद रखेंगे, टॉम, बिलफिल एंड सोफिया, जो कि सोफिया का नाम कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ये. एंड यहाँ पर टॉम, बिलफिल एंड सोफिया का जो लव ट्राइंगल होता है, इस पर ये नोवेल जो है बहुत ज्यादा बेस्ड हो जाता है, बिकॉज लव एंड डिजायर जो है इस नोवेल की एक इंपॉर्टेंट थीम निकल कर आती है. तो बहुत सारे थीम्स है इसमें, लव एंड डिजायर के साथ साथ अदर इंपॉर्टेंट थीम्स भी हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. एंड थीम्स पर लेकर भी कई बार क्वेश्चंस आस्क हो जाते हैं कि इस नोवेल की थीम क्या है. तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर, थीम है हमारी लव एंड डिजायर है, इनोसेंस टू एक्सपीरियंस है. तो लव एंड डिजायर जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा कैरेक्टर लिखा ही हुआ था इस टाइप से कि लव ट्राइंगल बनता है टॉम, बिलफिल एंड सोफिया का. एंड यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो जाता है हमारा लव एंड डिजायर. दूसरा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. हम लोग इसमें देखते हैं कि टॉम जो हमारा कैरेक्टर है एक टाइप से, उसको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इनोसेंट दिखाया गया है. एंड नोवेल के जब हम लोग एंडिंग पर पहुंचते हैं, तो वो एक मैच्योर पर्सन के फॉर्म में यहाँ पर हमारे सामने आता है टॉम. तो यहाँ पर एक तरीके से दिखाया गया है कि किस तरीके से इनोसेंसी से एक्सपीरियंस तक का सफर जो है, जर्नी जो है, एक पर्सन जो है यहाँ पर किस तरीके से पूरी कर सकता है, और किस तरीके से लाइफ की जो फेजेस होते हैं, जो डिफिकल्ट फेजेस होते हैं, वो एक पर्सन को सिर्फ परेशान नहीं करते, इनफैक्ट वो क्या करते हैं, वो लाइफ की जो डिफिकल्ट फेजेस होते हैं वो उनको लेके जाते हैं एक मैच्योरिटी की तरफ, एक्सपीरियंस पर्सन बनाने के लिए. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी की हम बात करते हैं, कि जैसा कि इस नॉवल में दिखाया गया है कि टॉम को स्टार्टिंग से ही क्या दिखाया गया है, ऑर्फन दिखाया गया है, बट एक्चुअली में वो ऑर्फन नहीं होते, वो मिसेस ब्रिगेट के ही बेटे होते हैं. तो किस टाइप से ये चीज दिखाई गई है कि जिस तरीके से जो हमेशा जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है. तो अपीयरेंस वर्सेज रियलिटी भी इसकी एक इंपॉर्टेंट थीम निकल कर आती है. ट्रुथ वर्सेस लाई की हम बात करते हैं, जैसे कि शुरू में ही यहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से झूठ बोले जाते हैं, और मिसेस ब्रिगेट खुद भी झूठ बोलती है कि भाई ये मेरा बेटा नहीं है. तो इस टाइप से ट्रुथ वर्सेस लाई को दिखाया गया है कि किस टाइप से चीजें जो है झूठ और सच में बदलती जाती है. मॉरलिटी वर्सेज एथिक्स को दिखाया गया है. फैमिली जो है एक इंपॉर्टेंट थीम निकल कर आती है, बिकॉज पूरा जो नोवेल जो है, जो उसका प्लॉट जो है आपका फॉर्म किया गया, फ्रेम किया गया है एक तरीके से, वो फ्रेम किया गया है आपका फैमिली के अराउंड. सोसाइटी एंड क्लास की बात करते हैं. रिच एंड पुअर का गैप दिखाया गया है कि किस टाइप से टॉम जब ऑर्फन रहता है, तो किस तरीके से वो अपनी लाइफ जो है वो एक पुअरनेस में निकालते हैं. एंड जब उनको पता चलता है कि वो भी इसी फैमिली के बेटे हैं, तो उनको भी उनकी प्रॉपर्टी का क्या मिलता है, एक पूरा उनका जो
पार्ट होता है वो उनका मिलता है। तो रिच वर्सेस पुअर का पूरा क्लास दिखाया गया है, किस तरीके से हमारी सोसाइटी डिवाइड है वो चीज दिखाई गई है, एंड हाइपोक्रेसी दिखाई गई है जो कि बिल्फिल के कैरेक्टर में नजर आती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स यहाँ पर इस नोवेल की हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस, जैसे कि टॉम जॉन्स को हम लोग जब बात कर रहे हैं तो 1749 में ये पब्लिश हुआ था, ह्यूज सक्सेस उसको मिली थी। एंड यहाँ पर हम लोग बात करते हैं टॉम जॉन्स के बारे में जब, तो हम लोग देखते हैं कि टॉम जॉन्स का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही इनोसेंट कैरेक्टर है, बहुत एक डिवोटी कैरेक्टर है जो कि अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बहुत ज्यादा डिवोटी हमेशा रहता है, एंड अपने कॉस्ट पर क्या करता है वो उनकी हेल्प भी करता है, इसमें उसको कभी भी कोई डिलेमा नहीं होता है। बट दूसरी हम चीज बात करते हैं गाइस, तो टॉम जॉन्स में एक जो चीज दिखाई गई है वो ये दिखाया गया है कि टॉम जॉन्स जो है वो ट्रूली लव करते हैं सोफिया को, जो इनकी हीरोइन है, प्ले की हीरोइन है। बट यहाँ पर दूसरी चीज जब निकल के आती है कि इनका एक जो अट्रैक्शन रहता है, इनकी सेक्सुअल डिजायर्स जो रहती है वो कई बार इन पर हावी हो जाती हैं, और वो क्या करते हैं मिसेज बैलिंगटन के साथ में उनका जो इंसिडेंट होता है वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़ा सा फेयर सेक्स की तरफ वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इनकी थीम्स निकल कर आती है। ये कैरेक्टर एनालिसिस है एक्चुअली टॉम जॉन्स का, जो कि लीड कैरेक्टर है। तो कैरेक्टर एनालिसिस भी हम लोग को इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज कई बार जो है हम लोग से क्वेश्चन आस्क हो जाते हैं कैरेक्टर पर भी कि कैरेक्टर किस टाइप का है। दूसरा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इनका जो कैरेक्टर है वो ट्रूली लव करता है सोफिया को, एंड लाइफ की डिफिकल्टीज फेस करते हैं, लेकिन लाइफ की डिफिकल्टीज फेस करते हुए भी वो क्या करते हैं अपना जो इम्पोर्टेंट जो उनका बेसिक जो कैरेक्टर रहता है उनको कभी भी भूलते नहीं है, एंड वो अपने मोटिव से भी कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। दूसरा इसमें एक दिखाया गया है जेंडर न्यूट्रलिटी। तो जेंडर न्यूट्रलिटी जो है वो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थीम निकल कर आती है, बिकॉज यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से आपका मेल एंड फीमेल जो है दोनों ही इक्वली फाइट करते हैं, इक्वली क्राई करते हैं। यहाँ पर किसी भी टाइप से फाइट को या क्राई को फीमेल या फीमेल से जोड़कर नहीं दिखाया गया है, बिकॉज जैसा कि हमारी सोसाइटी में कई बार कंसीडर किया जाता है कि मेल जो है वो फाइट करेंगे, विमेन्स जो है वो क्राई करेंगे, तो इस टाइप से इस किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्स से जोड़कर नहीं दिखाया गया है। जेंडर न्यूट्रलिटी जो है वो यहाँ पर दिखाई गई है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज जो है वो हमारे यहाँ पर निकल के आती है कि जेंडर न्यूट्रलिटी जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये था हमारा कैरेक्टर एनालिसिस ऑफ दी टॉम जॉन्स, और यहाँ पर इस नोवेल के बारे में जो इम्पोर्टेंट अदर फैक्ट्स थे वो भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। एंड इसकी अगर स्टोरी आप लोग सुनना चाहते हैं तो स्टोरी के लिए हम लोग इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल कैच यू टुमारो विद अनदर वीडियो लेक्चर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।